बोले जमल घर अवतार की। तो देखो रानी रूपा जमला में चलेगी, ननद भाई नोंगरी की सोंगरी कर ली, गुरु महाराज की कृपा हो जावे। और ननद भाई ने नोंगरी की सोंगरी कर ले, देखो आधी रात पहर का तड़का 4:15 बजे की जमलो संपूर्ण होवे। और रानी रूपा ननद भोजाई दोनों वापस मेला में आवे। सावन भादवा का बाजला बरसे, बिजला की घनघोर उड़ रही, रिम जिम बारिश बरस रही। रानी रूपा भीजती आई और मेला के मैंने रावल माल दे अतनो भारी परेशान हो रही। रानी रूपा आज कठिन की, अगर मुझे कठिन मिल जाओ तो आज दो टुकड़ा कर दूं रानी रूपा का। तो भीजती रानी रूपा महल के बाहर खड़ी हो जावे और राजा ने कई प्रकार से आवाज लगावे। कई बात बने देखो, महल का दरवाजा खड़ा खोले रावल है माल ले रे, महल का दरवाजा खड़ा खोले रावल महा लाल चुनरिया मारी भीजे रे जी, लाल चुनरिया मारी भीजे रे जी। रमियाई जाही रमजो रे जी, रात रमियाई जाही रमजो रे जी। घर अवतार की। तो देखो रानी रूपा महल के माया खड़ी हो जाओ जो। और राजा ने आवाज लगाओ के लिए, राजा महल का दरवाजा खोल दो, मैं रिमझिम बारिश में लाल चुनरी हमारी भीग चुकी है और मैंने ठंडी ठंडी हवा लाग रही है। देखो रावण माल दे हाथा का मायने तलवार ले मल्ला में ड्यूटी घूम रियो और रानी को इंतजार करो। जिसाई आवाज पड़ी और राजा ने खिड़की खोल कर कि रूपा यह बता रात के मैंने खा दी के भगवान ने बागा की बावड़िया गई और माला लाई थी था कटाई रात वहीं बिताई मैंने। तू की जा रानी रात जा तू रमिया जाए रमजा, मेला में थारे वास्ते कोई जगह को नहीं। तो रानी के मेरे राजा बात मान ले मारी और कोई गलत पाप मत लावे मन के माई,
मैं कहीं भी न गई, मैं बागा की बाव ने गई माला गुदलाई था के ताई तो राजा के मैकिन को नहीं आवे देखो। और रानी ने क्यों राजा के, रानी अगर तू साची है तुम्हारी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। तो कहे के राजा कि रानी मारे एक ही मन शुद्धि रे जा सके, थारा दोनी हाथ बंधा लू पाचे थी और पहाड़ के ऊपर जया लंबी चोटी दिख गई खड़ी कर दी आसमो थे नीचे गिरा दियो। अगर तुम मरी को नहीं तो मारे मन में धीरे जा जाओगे भाई रानी रूपा दे साची थी। रानी रूपा भगवान रामदेव जी की पूजा करती है, भगवान ने कई प्रकार याद करती है। और देखो रावण माल दे रानी रूपा का कई प्रकार हाथ बंधावे और कई प्रकार पहाड़ पे ले जावे। देखो तो रानी रूपा कह भाई ठीक है राजा, अगर यही बात है तो यह इच्छा भी पूरी कर ले। तो रावण माल ने रानी रूपा का दोनों हाथ बांध दिया पाचे सुन और धीरा धीरा करतो करतो छड़ा तो अपना पहाड़ की चोटी पे जा धरी रूपा। रानी रूपा पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ी कर दी और रानी रूपा भगवान रामदेव जी ने याद करे कि रे बाबा भगवान तू ही बचा सके आज तो आज आपके बिना कोई को नहीं बचा सके।
क्या 1000 फुट की पहाड़ की चोटी है, मन कह बाकी छोड़ेगी। भगवान रामदेव जी रूणी जसु बेटे बेटे कई कला फैलावे। और रानी रूपा जी के रावण माल देने धक्को मार दियो, दिशाएं धक्को मारियो। रानी रूपा जी के भगवान रामदेव जी की पाल के आ जावे। रानी रूपा ने दिशाएं नीचे गिरे तो भगवान रामदेव जी इस तरह लगे वो ऊपर ऊपर झेल लियो। और रानी रूपा दे दिशा की दिशाएं खड़ी हो जावे। देखो यो चमत्कार देखते ही रावण माल दे मन में चिंता करे कि रानी साची है, परी की रूपा वाकई तू साची है, तू तो जादूगारी है, कामणगारी है। तो रानी रूपा मनी मन में हाथवा लग जावे के मन लागे रे के बावड़ा ये छोटा मोटा पांच पांच पहाड़ का तो राजा मन पचेटा खेल छोड़ दिया। अब तो इन टोलिया सुगाए मुगाए मरणी जी। तो रानी रूपा भगवान रामदेव जी महाराज की कृपा हो जावे और रानी रूपा मां से चाल दे। रावण माल लेके मन में फिर भी पाप आ जावे और कहें के वे कि रूपा मैं तो मन में धीरज को नहीं धरू तो कम तो लुआरिया बुलाऊं रूपा गोला लाल कराऊं, रूपा गोला ने थारा हाथा के मैं धराऊं। अगर तू जली को नहीं तो मैं सोचूं कि रानी रूपा साची। आगे कई बार तबने देखो लोहारिया बलालूरी रूपा एक गोला लाल तो करालूरी रूपा लोहारिया बलालूरी गोला हाथा में धरा लू अनपत धीरज थारी ले लूं रे जी अनपत धीरज थारी ले लूं रे जी खिलाया यही रे गोला तुम कहीं डरनी रे जी यही रे गोला तुम कहीं जलनी रे जी जमल घर अवतार की। तो के रानी तैयार हो जा, अब थारा जादू टोना कोनी चाले,
अब आर गांव में जाऊं लुआरिया ने बुला लाऊ और हाथों हाथ गोला लाल कराऊं और तारा हाथा के मैं धरा दी रूपा। रानी रूपा के मन लगे लेके राजा मान जा, राजा मान खारी दे के दाग मत लगावे राजा, मैंने पहचानवा की कोशिश कर पिया लेकिन राजा हट, राजा हट नहीं माने और कहे के देखो कि नहीं रानी मैं तो लुआरिया बुलाऊंगा गोला लाल कराऊंगा तारा हाथा के मैं धराऊंगा बार, अगर फिर भी तू जड़ी को नहीं तो मैं सोचूंगी भाई देखा आगे कई बार तब नहीं। तो राजा मानसी रावल माले गांव के मायने जावे लुआरिया का गड्ढा जुपार ले आवे और हाथों हाथ गोला लाल करावे, दो दो पांच पांच किलो का गोला लाल करा ले लोहिया का और रानी रूपा हाथा ने सीधी कर खड़ी हो जावे और रावल माल दे वहां गोला ने लुआरिया का वाल रानी रूपा का हाथा में धरा दे। रानी रूपा भगवान रामदेव जी की कृपा से लेर खड़ी हो जावे और रानी रूपा के जरा सुन थरथराटो कोन आवे तो रावल माल दे के मन में पावर पाप आ जावे कि रानी तो वाकई जादूगारी है भाई, देखो कोई कुछ नहीं कोनी बिगाड़ सके आगे काय वार्ता बने देखो। काला नाग तो मंगालूरी रूपा सरप मंगालूरी काला नाग तो मंगालू अण बज धीर जे थारी लेलू रे तेजी, अण बज धीर जे थारी लेलू रे तेजी। Yeah, I'm out of here.
नड़िया रे मारी की जय रे हे जी। लाल है तू नड़िया हमारी की जय रे हे। बोले राम सा पीर की। तो राजा गांव में जाओ और काल बेलिया ने पकड़ लाओ। काल बेलिया का डेरा सांप का टिपरा ले आओ। 10-20 सांप लार पटक दिया। रानी रूपा खड़ी खड़ी देख रही। 10-20 सांप रानी रूपा के सामने लार पटक दिया। रानी रूपा ने झोली फैला दी। चिल्ले भाई राजा अरे इच्छा भी पूरी कर ले। रानी रूपा भगवान रामदेव जी ने मनी मन में याद करें और मारो धनी रूणी जासु कई प्रकार आवे। रानी रूपा दिन ने ध्यान में हो जावे और रानी रूपा ने दिशाएं भगवान रामदेव जी आता दिखिया और रानी रूपा दिन ने झोली फैला दी। वो सारा ही नाग रानी रूपा दे की झोले में आ जावे। कोई तो रानी रूपा दे के फपकार मारे, कोई कहीं करे, कोई शरीर पे चढ़ जावे, कोई इधर पावा में लपट रो, कोई हाथा में लपट रो। देखो रानी रूपा दे भगवान रामदेव जी की कृपा से दिशा से खड़ी हो जावे, खड़ी की खड़ी रह जावे। राजा माल सिंह कहीं बतावे देखो दाता तले जबान दे जावे के रानी गजब कर गई तू। वाकई रानी तू साची है। तो फिर रानी मन में सोच विचार करे और अपना गुरु जी महाराज ने कई प्रकार मनावे देखो। देह बोल की रे सतका तरना में रानी रूपा दे बोली भाटी अगम जारी चलिया रे हे जी। भाटी अगम जाकी चलिया रे हे जी। का दरवाजा सारा भोले रावल महल दे लाल चुनरिया मारी की जय रे हे जी। लाल चुनरिया मारी की जय रे हे जी। लाल चुनरिया मारी की जय रे हे जी। बोले जमल घर अवतार की। रानी रूपा खड़ी खड़ी रह जावे और रावण माल दे दाता तले जबान दे जावे। रानी रूपा के पाव में गिर जावे। रानी मन ने माफ कर दे कि नहीं राजा अभी तो अधूरो परचो है, तू पूरो परचो ले ले। बोली कहीं कहती अब रानी रूपा भगवान रामदेव जी ने कई प्रकार याद करती क्योंकि आखिरी परीक्षा एक और रहेगी कि रानी ठीक है तू बगा की बावड़ा गई ठीक है तू फुलड़ा तो ले रही देखा कठियान का कहां से लाई तू फुलड़ा फुलड़ा बता कशा वाक तू तो फुलड़ा लाई तू यहाँ को भेद बता रानी जब बात साची मानू उथारी। तो देखो कई प्रकार भगवान रामदेव जी ने मनावे रानी रूपा हाथा कमाए फुलड़ा छाई कोनी लेकिन राजा राहुल मालदे से झूठ बोल दी। अब कई प्रकार तो रानी का हाथा कमाए ने फूल आ जावे और कई प्रकार सु बाग लाग जावे हाथा में। देखो आप जागो मारी चूनी कलारा साई जागो मारी जूनी कलारा साई
भक्ता का भिड़ू रमा संतारा उबार रे भक्ता रिड़ू रमा संतारा उबार रे सातों में टोने मारा साई जागो मारी चुनी रानी रूपा दशाई महल के माया आवे और रावण माल ने कई चमत्कार दिखे रम जम करती ऐसे कामण्या सूता मैला कहे माई रम जम करती ऐसे जागो मारी चुनी कलाराई जागो मारी चुनी कलाराई जमल घर अवतार की तो रानी रूपा दशा मेल के मैं जावे रानी रूपा के कई प्रकार से रमझम पाए लिया बासती जाती और रानी रूपा के हाथा और पावा का माने सांप घोईरा का बादल सारिया देखो सारी सांप घोईरा से भर गई रानी रूपा रानी दशाई सहज के ऊपर गई तो शोभा लागी तो रानी नागा के ऊपर सोई काला सर्प का बचावना बसरा रानी रूपा का सहज पे तो रानी रूपा वहां काला नागा के ऊपर सोता ही रावण माल दे क्या क्या खुल गिर बेटा आपना बचपन मुश्किल से या तो जादूगारी या तो कामणगारी से रूपा राजा भाग तो भाग ना तो सारा प्राण जासी दशाई राजो मासु खटवान लागे रानी रूपा ठहर जा राजा थे मारा पति देव हो यो सत्यता देव मारो फर्ज हो अगर मैं आपके सामने सत्यता देव को नहीं तो मैं दोषी मानू ही राजा तो राजो रुक जावे आगे कई वार्ता बन रही है देखो रानी रूपा जो केवल लागे के रूपा
वाके मनी को एक बार भेद बता तू कशा बाग के मायने गई कशा बाग के मायने से फुलड़ा लाई खाटी खड़ा है करावल माल देही को प्या कहां तो गया चारी रूपा भाई अच्छा रानी तू मने को भेद बता दे कि तू फूल हाथा के माय लाई तो कशा बाग में सुलाई। यह बात सुनता रानी चक्कर में पड़ गई। हे भगवान कशा बाग को नाम लेगा आपन तो कशा बाग में गया ही कोनी। अभी राजा ने आपन ने झूठ बोल दी।
तो कैसा बाग को नाम लेंगे राम? तो राजो बागा का नाम बता देगा रानी। एक बाग तो दूधा जी की बाड़ी, दूसरो बाग से जो मंडोरा गडमाई, अब तीजा तीजो बाग को राम मन रानी नाम बता दे कैसा बाग में जो फलड़ा लाई। यह बात सुनता है रानी का कान ऊंचा हो गया कि भगवान अब कैसा बाग का नाम लिया। तो रानी जवाब जवाब देवा लागी के राजा, एक बाग दूधा जी की बाड़ी, दूजो मंडोरा गडमाई और तीजो तीजो बाग राजा बासक की बाड़ी है। राजा राजा बासक की बाड़ी में से फुलड़ा तोड़कर लाए मैं। राजा बासक को नाम लेता है, राजा का रोंगटा खड़ा हो जाओ कि हे भगवान, राजा बासक की बाड़ी में तो अच्छा अच्छा नजर या रानी, राजा बासक की बाड़ी में से फूल तोड़ लाई ताजी भरी बात। फिर भी राजा के यकीन को न्या कई बार तबने देखो अपना गुरुजी ने माना हुए और कहें कि वे क्यों राज तुम माने ही गुण। हाथी जोड़ रानी रूपा देवी बोलिया, अब तो सुन ले रे मारा साई। पूरो पूरो पर जो दे मारा रामा, नुगरो तो माने नहीं। पूरो पूरो पर जो दे मारा रामा, नुगरो तो माने नहीं। हाथी को पल्लो झड़ी कारो जमाल देने, हाथी को पलो झड़ी कारो जमाल देने, फुलड़ा बिखरी ग्यारे माई, जागो मारी चूनी कलारा साई, जागो मारी चूनी कलारा साई। भगता का भिड़ू रमा संता रऊबारणी, भगता का भिड़ू रमा संता कऊबारणी, सांसों में टोने मारा साई, जागो मारी चूनी कलारा साई, जागो मारी चूनी कलारा साई। घर अवतार की। तो रानी रूपा यह बात सुनता ही और भगवान रामदेव जी महाराज ने मना हुए, हे भगवान मैंने आपको नाम ले दियो और हाथा के मायने फुलड़ा बता दिया, फूला आता के मायने तो फूटी गोटी को नहीं, अरुणी जासू देखा पधारो और मारी इलाज बचाओ स्वामी। तो देखो रानी रूपा कई प्रकार भगवान रामदेव जी महाराज ने याद करते, कई प्रकार भगवान रामदेव जी महाराज आता। रानी रूपा के बाद लागी भगवान अब तो पूरो पूरो परचो दे जा मारा बाबा, इन नुंगरा का हाल भी समझ में को नहीं आई,
पूरा पूरा पर्चो दे दे बाबा अरुण जी, आप स्वयं पधारो और हमारी इलाज बचाओ। जिसे रानी रूपा देने भगवान याद करे, भगवान रामदेव जी प्रकट हो जावे, रानी रूपा देने दिखे और कोई नहीं, कोई नहीं दिखे। देखो जिसे रावण माल देने रानी ने हाथ के ऊपर पल्लो डाल में लियो, जिसे पल्लो झटका राजा ने और एकदम हाथ को झटको दियो और भगवान रामदेव जी कृपा हो जावे, फूल बखेर जावे। देखो मैं हाथ कमाए ले, फूल लागो करो लाग जावे, फूला न देख राजो ताजु मान जावे कि रानी वाकई तू बड़ी में छोटो। तसु हार गयो रानी, हाथ जोड़ और कहीं करो। देखो राजो ढाली तलवार राजा ने मली से धरण में पावा पड़ो रे रूपाताई, ढाल तलवार राजा ने मली से धरण में पावा पड़ो रे रूपाताई। Thank you.
देखो हाथ तक मायने जिसे रावण माम देने रानी को पल्लो झटकारी और फुल्ला को गर्व हो गयो। राजा ने सोची देखे रूपा तो युवा के जादूगारी कोने भाई को तो भगवान को प्रताप से राजो समझ जावे। और राजा ने ढाल ली तलवार सारी उनकी हरण में मेल दी धरण के अंदर और हाथ जोड़े रानी रूपा के पांव में गिर जाओ के लिए रानी मने माफ कर दे मसू गलती होगी रानी मैं अंधेरा के माई छो कहीं के देखो किले रानी काचा सूत्रु हाथ बांध राजो खड़ो और रानी से प्रार्थना कर ले रानी मारी नाक फोड़ दे रानी मारी नाक फोड़ दे और मने नथड़ी पहना दे रानी इस युग के मैं जितना मने थारे ऊपर पाप किया थने पाप की नजर से देखी रानी तो मने नाक फोड़ मारी नथड़ी घाल दे ताकि मैं थारे लड़े लड़े आई के एक रस्सी डाल दे रानी इस युग के मैंने खचो खचो फरूंग तो मारी मोक्ष हो जासी मारे से गलती होगी रानी। तो रानी रूपा राजा की आवाज सुनता है और नानी के नैना के माई सावन भादवा लागता और रानी भगवान से कई विचार करती कई विचार करती और कई कहती देखो रोती रोती रे बाबले आची प्रणादी नुंगरा माल के जमला में जबा कौन देवे रे आची प्रणाई रे नुंगरा माल के जमला में जबा कौन देवे आची प्रणाई रे नुंगरा रोती जावे और अपना बाबुल ने कई प्रकार रुकोस पर लाग सी रे बाबल मारे साथ में करी और बेटी के साथ में मत कर जे मैं सी धर में बेटी ये शायद दुखे रखे जार प्रणा दी कहीं के देखो ए रे बाबले कह तो बना तो बन की रोजड़िया चरिता हरियो हरियो गात हो रे आता शिकारी गोलिया रे मारेता ए मारा बाबले आता शिकारी गोलिया रे मारेता ए जी मारो हो जा तो कल्याण हो प्रणा दीनुगरा माल के मारा बाबले आची प्रणाई रे नुगरा जमल घर तार की रानी रूपा मनी मन में सोच विचार करे राणो राजो पावा के मायने गिर जावे रानी से माफी मांगवा लाग जावे
की रानी नथड़ी पहना दे मारे नाक फोड़ दे जग के मायने खचो खचो भरू तारे साथ में तुम्हारी मोक्ष हो जाती। ये बात सुनता ही देखो पत्नी पत्नी होवे और पति पति होवे अगर देखो सत्यवादी पत्नी अगर है तो पति ने कभी भी पावा में मायने न गिर बदे। लेकिन कहीं करे राजो पापी छो वा सत बची अपना पति ने अपना पावा में गिर तो देख रानी के नैना के मायने सावन भादवा लाग जावे और पति देव ने उठाती और एक जगह बिठाती अपना बाबल ने कई प्रकार से कोसती बाबल ने कई प्रकार से कई प्रकार से अपना बाबुल ने कोस लिए। अरे के बाबल 80 बेटी लाडली धर्मी बेटी जितन अशा नुंगरा के जार प्रणा दी मु भगवान मान बाली अरे राजो मानने कोनी भगवान की सत्संग में जाती तो यो जाबा कोनी देतो अब मु करू तो काहे करू जीसु तो तुम मन ऐसा कर दो कि बन की रोजड़िया बना देतो बनकी रोजड़ा बना दे तो हरियो हरियो घास चरती मारा बाबल अरे खटे कटी सु जंगल के मायने शिकारी आ जाता मारे गोली भी मार देता तो मारी मोक्ष हो जाती। लेकिन तने से पापीरा के प्रणा दी जिन्हें तुम्हें मरबा की न जीबा की हमारो मोक्ष तुम्हारे कहीं वो हो देखो। और नारी रूपा और बाबल ने कई प्रकार कोसती और कई बना बग देखे थे देखो ए बाबल के तो बना दो बागा की बावड़िया पण खटकी बावड़िया निर्मल रो मारो नीर हो रे कह तो बना तो पण खटकी बावड़िया निर्मल थोड़ा कुरड़ा लालता ए मारा बाबले आता सा थोड़ा कुरड़ा रे लालता ए जी मारो हो जा तो उद्धार हो आची प्रणादी नुंगरा आरे बाबले कह तो बना तो बागा की कोयला रे ए मारा बाबले कह तो बना तो बागा की को अमरत बोलो आता भाईड़ा बोलिया ने बोलता इमार बाबले आता भाईड़ा बोलिया ने बोलता छाया घेरी गमे रहो रे आता सा जुड़ा छाया में बैठता इमारा बाबले आता सा जुड़ा छाया में बैठता ए
जी मारो हो जा तो कल्याण हो रे आपकी प्रणाई रे नुगरा आची प्रणाई रे नुगरा बोले जमल घरे अवतार की अरे के बाबुल मारा मने प्रगट की बावड़िया बना दे तो रानी रूपा रोती जा रही कहती जा रही अपना बाबुल ने खोस रही अरे मने प्रगट की बावड़िया बना दे तो मारो ठंडो ठंडो नहीं दे तो मारा बाप आता भाईड़ा मारे बावड़िया के मायने पानी पीता जल पीता कुरला रालता जीसु मारी मुक्त हो जाती तने ही पापी के प्रणा कर मारता है घोर अन्याय कर दियो पैर के रानी का जगह ये भी नहीं पड़ती तो मैंने बागा की कोयला बना दे तो हरिया बाग के मायने बटी बटी मीठा बोलना बोलती रहती आता भाईड़ा मारा आता साधुड़ा मारी बोले न देख रो भी बोलता जीसु भी मारो उद्धार हो जा तो बाबुल थन्ने मार साथ में अच्छी कोने करी अगर यह भी कोनी बनी तो मन बन की पारस पीपले ही बना दे तो पारस पीपली छाया घेर घमेर होती मारी मारा जातिरा भाईड़ा आता मारा साधु लोग आता मारी छाया में बैठता जीसु भी मारो कल्याण हो जा तुम्हारा बाप थन्ने मार साथ की मायने अच्छी कोनी करी आगे कहीं बतावे रानी रूपा तत्का तरना मेरानी रूपा ते बोली पाटी अगम ज्ञानी चेलिया दे तेजी पाटी अगम ज्ञानी चेलिया दे तेजी आ तो सजनों आज का ये प्रोग्राम जय बजरंगबली कैसेट द्वारा पेश किया जा रहा है रे बाबले आची प्रणाई रे नुगरा माल के ये जमला में जबा को देवे रे आची प्रणाई रे नुगरा माल के गायक सोन सुमन लखेनी रिकॉर्डिंग जय बजरंगबली स्टूडियो कंसुआ कोटा निर्देशक है परमिंदर जी यादव एरे बाबले आची प्रणाई रे नुगरा माल के एज जमला में जबा कोने दे रे आची प्रणाई रे नुगरा जय बजरंगबली स्टूडियो कंसुआ कोटा मालिक हैं परमिंदर सिंह यादव कंसुआ कोटा आरे बाबले आची प्रणाई रे नुगरा माल के निर्देशक हंसु भाई यादव कंसुआ कोटा एज जमला में जबा कोने देवे रे आची प्रणाई रे नुगरा माल के एरे बाबले आची प्रणाई रे नुगरा माल के ए मारा बाबले आची प्रणाई रे नुगरा माल के बोले जमल घर अवतार की।